हेलो दोस्तों, वेलकम टू बक्सकुलेटी। मैं विजय उपस्थित हूँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पेट में गैस होना, खाने खाने का मन न करना, खाना खाते ही गैस हो जाना, हमेशा कब्ज की शिकायत रहना, खाना खाने में मन न लगना, पेट का हमेशा फूला हुआ रहना, ये सारी समस्याएँ आजकल हर आदमी में देखने को मिल रही है दोस्तों। यदि पाचन सही नहीं होता है तो सरदर्द भी होने लगता है। तो आज का वीडियो इन्हीं समस्याओं को लेकर है। तो आइए जानते हैं आज ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसका यूज आप करेंगे तो आपको इन सारी समस्याओं जैसे गैस, कब्ज, पेट फूलना आदि से छुटकारा मिल जाएगा। तो वह प्रोडक्ट है दोस्तों सिपजर कंपनी द्वारा निर्मित हाजिम चटनी। जी हाँ दोस्तों, आइए बात करते हैं इसके फायदों के बारे में। हाजिम चटनी हर तरह के पाचन विकारों में उपयोगी है। इस चटनी का उपयोग मुख्य रूप से अपच और पाचन विकारों के उपचार के लिए किया जाता है। हाजिम चटनी अतिरिक्त गैस को खत्म करने में मदद करती है, साथ ही पाचन सुधार करती है, भोजन के पाचन में सहायता करती है। हाजिम चटनी मतली और उल्टी को रोकने में मदद करती है। यह चटनी पेट के पीएच के स्तर को सुधार करने में मदद करती है। यकृत में यानी लीवर में पित्त के उत्पादन को उत्तेजित करती है जो सूजन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह चटनी पाचन में मदद करती है, पेट फूलने से राहत देती है। हाजिम चटनी एसिडिटी और नाराजगी को कम करता है। पाचन में सुधार के लिए लार और अन्य पाचक रसों के स्त्राव को उत्तेजित करता है। हाजिम चटनी पाचक और ज्वरनाशक है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। हाजिम चटनी खट्टी डकारे को रोकता है, साथ ही यह पाचन विकारों को ठीक करता है। हाजिम चटनी भूख न लगना जैसी समस्याओं को भी खत्म करता है। हाजिम चटनी के इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसमें है तमर, सदकुफी, अनारदाना, जंजबील, अजवाइन, फिलफिल, सियाह, बर्ग ए सुदाब, जीरा, सियाह। आइए बात करते हैं इसकी डोज की। 10 ग्राम सुबह या शाम आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो कस्टमर केयर का नंबर हमारी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, वहां से आप जाके इसे बाय कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।